नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। रुक करेंगे अभी की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन यूपी बजट सत्र शुरू होने से पहले सपा नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और धरना दिया। वहीं हालात को देखते हुए सरकार ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं को संयम और शालीनता का परिचय देने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, इसमें सभी विधायक अपने इलाके के मुद्दे उठा सकेंगे। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। वहीं विधानसभा में कार्यवाही शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कानपुर अग्निकांड का मुद्दा उठाया, कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा राज्य सरकार प्रशासन और बुलडोजर के चलते हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने या विकास करने के बजाय बुलडोजर के आगे पीछे घूम रही है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग इन्वेस्टर्स समिट में लगाए पौधे को नहीं बचा पा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहां से लगाएंगे। वहीं रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका जवाब सदन में देंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा ही जातिगत जनगणना की बात करती आई है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से आए हैं, इसलिए उनको जातिगत जनगणना और यहां के बारे में नहीं पता। पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था, सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वही संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, नीचे कर दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आपने कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने। आगामी 25 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो गई है। ऐसे में बाबा केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर समिति कमर कसने लगी है। जिला कलेक्ट्रेट में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ यात्रा संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और यात्रा के सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं में जुटने को कहा। कहा कि कपाट खुलने से पर्व सभी तैयारियां पुख्ता की जाए। केदारनाथ यात्रा के लिए जो है हमने ट्रैफिक और पार्किंग के जो है कुछ नए प्लेसेस जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें जिस जगह पे बॉटल नेक से और चौक पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो है हमने व्यवस्था जो है बनाई की जा चुकी है 25 अप्रैल। और इसी तहत में अध्यक्ष महोदय बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार बैठकें करी हैं और पशुपालन, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क मार्ग, बिजली व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, पर्यटन, हेली आदि जितने भी इशूज़ हैं सबसे रिलेटेड हमारे काफ़ी काम आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे अब चूँकि तिथि भी निर्धारित हो चुकी है तो अब हम टाइम बाउंड बेसिस पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मार्च एंड तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण हो जाए और जो बचे कुछ काम अगर कुछ बचते हैं तो वो 15 अप्रैल तक सीमित खत्म करके हम लोग एक लास्ट चेकिंग कर लें 15 अप्रैल के बाद, ताकि कोई भी यात्री को असुविधा ना हो। लेकर के हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं, विभिन्न विभाग एजेंसियाँ हैं उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, कार्य योजनाएँ तैयार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटक, श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आए थे। कावड़ मेला साकुशल संपन्न होने के बाद सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही दान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। देर रात से हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेले क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया है। देर रात से ही हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह होते ही हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर गंगा स्नान, दान पुण्य, पीपल की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है और मन शांत हो जाता है।
आज गंगा स्नान करने के बाद हमें काफी अच्छा लग रहा है। आप सोमती मावस है, सोमती मावस का स्नान करने से, दान पुण्य करने से, पीपल की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और मन शांत रहता है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोटद्वार पुलिस ने दो शातिर एटीएम चोर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों एटीएम चोरों से बड़ी मात्रा में 45 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तगण हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका एटीएम कार्ड चोरी कर लोगों के बैंक खातों से रकम निकालने का गिरोह है। पुलिस ने पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रकम निकालने की जानकारी भी दी। कोटद्वार पुलिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के थाना क्षेत्रों में अभियुक्त गणों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी में जुट गई है। ये एटीएम फ्रॉड का मामला है, जैसा अमूमन बड़े शहरों में कई बार ऐसे केसेज होते हैं। कोटद्वार में परसों 15 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति थाने में पहुंची, जिनका ये कहना था कि उनका एटीएम यूज करने वो किसी बैंक में गए थे तो वहाँ किसी लड़के के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ये था कि उनको अपने एटीएम रन करने में कुछ दिक्कत आई, जो लड़का वहाँ पर खड़ा था उसने किसी बहाने उनका विश्वास जीता और उनका पिन कोड लेकर के एटीएम एक्सचेंज कर दिया। एटीएम एक्सचेंज का मतलब उन वृद्ध व्यक्ति का एटीएम अपने पास ले लिया और कोड वो जान चुका था उनसे बात करने के बाद, और उन अपना कोई फर्जी एटीएम उनको दे दिया। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह की गाड़ी में तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना हरिद्वार के ऋषिकुल तिराहे के पास की है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह सोमवती और स्नान की ब्रीफिंग करने के लिए ऋषिकुल जा रहे थे, तभी चौराहे से पहले पीछे से आ रहे तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एसएसपी की गाड़ी का बम्पर टूट गया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कर्मचारियों को मामले का पता चलते ही मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। गनीमत रही कि स्कूटी सवार या किसी को चोट नहीं आई। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद कल पढ़ने वाली सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को संपन्न कराना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सोमवती अमावस्या हरिद्वार के लिए काफी बड़ा स्नान होता है। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 39 सेक्टर में और 16 जोन और 5 सुपर जोन क्षेत्र में बांटा गया है। सभी जगहों पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। सभी पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट्स की भी ब्रीफिंग कर दी गई है। मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है, साथ ही साथ जो जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए। टाइम भी लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले गए और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज्यादा ध्यान दिया गया और पार्किंग को भी हमने बढ़ाया जिससे कि कोई गाड़ियां जो सड़क पे ना लगे और यातायात सुचारू रूप से चले। टोटल फोर्स अगर हम देखते हैं इसमें चाहे सिविल पुलिस का हो, 3.5 कंपनी इसमें करीब पीएसी लगी, जैसे महिला पीएसी भी है, अलग अलग विंग्स है हमारी जैसे डॉग स्क्वाड है, तो सब लेकर करीब 1,200 के करीब जो हमारी फोर्स जो डिप्लॉय रहेगी जो पूरे शांति ड्यूटी पे विभिन्न जगहों पर रहेगी। मुनि की रेती में पर्यटकों को घुमाने लाए राफ्टिंग गाइड के गंगा में बहने का मामला सामने आया है। युवक की पहचान 23 साल के लखनऊ निवासी ईशान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत वशिष्ठ गुफा के पास ये हादसा हुआ है। वहीं एसडीआरएफ और जल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में श्यामपुर फाटक के पास योग नगरी स्टेशन आ रही उदयपुर सिटी की चपेट में अचानक एक सांड आ गया, जिसकी वजह से ट्रेन आधे घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इस वजह से ट्रेन स्टेशन पर करीब 35 मिनट की देरी से पहुंची। ऐसे में ट्रेन में सवार यात्रियों को फसीहत झेलनी पड़ी। घटना में सांड की मौत हो गई। पुलिस और रेलवे के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इंजन में फंसे सांड के शव को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेन को योग नगरी स्टेशन के लिए रवाना किया गया। बता दें कि श्यामपुर रेलवे फाटक से योग नगरी स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोनों किनारों पर कई जगह आबादी बसी हुई है। कई बार इंसानों के भी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है।
कासगंज में दोनों बाइकों पर सवार एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से गजडुंडवारा CHC भिजवाया। वहीं चिकित्सकों ने उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पूरा मामला थाना सिकंदपुर वैश्य क्षेत्र के गांव छितेरा के पास का है। सरकार गरीब और होनहार बच्चों के लिए सरकार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा देकर निखारा जा सके। भानपुर के जोगिया में बने इस विद्यालय में करीब 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कंदबीर नगर के जगदीशपुर गांव के छात्र कृष्णा ने सोनहा थाना के जोगिया भानपुर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में 8वीं में पढ़ने वाले छात्र कृष्णा तिवारी का शव विद्यालय के कमरा नंबर 10 के अंदर पंखे से लटकता मिला। आनंद फानन में देर रात भानपुर SDM अतुल आनंद, CO और थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में नया मोड़ तब आया जब परिजन सूचना पाकर पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। परिजनों के पहुंचने से पहले राजकीय आश्रम पद्धति के डायरेक्टर PK त्रिपाठी भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि उनका छात्र होनहार था, उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटकाया गया है। सभी शिक्षकों का बयान अलग अलग बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल दिनांक 18/2/2023 को थाना सोना अंतर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय में एक छात्र द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सोना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां संज्ञान हुआ कि कमरा अंदर से बंद है और शव पंखे से लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा नियमानुसार शव को कब्जे में लेकर PM हेतु भेजा गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई PM रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। हत्या कर शव को पंखे से लटकाया गया है। सभी शिक्षक जो है इस पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सारा मामला बस्ती का बताया जा रहा है। जो अभी खबर हमने आपको बताई है बस्ती से बताई जा रही है, इसमें बच्चे का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। गौरखपुर थाना क्षेत्र के गुलरीहा थाना अंतर्गत बठहत हरिजन बस्ती के पास विगत 13 फरवरी को कुछ अज्ञात बदमाशों ने शिव शक्ति गैस एजेंसी मैनेजर को असलहा सटाकर लगभग 6.5 लाख रुपए के लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस घटना के सफल अनावरण को लेकर SSP ने पुलिस की कई टीमों के अलावा स्वॉट टीम को भी लगाया था। 6 दिनों की कड़ी मेहनत के और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस घटना के चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी हुई 6,19,000 रुपए नगद, एक 32 बोर का पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल चोरी की बताई जा रही है। बृहद स्तर पर इसमें CCTV फुटेजेस को खंगाला गया। CCTV फुटेज खंगालने से एक बात क्लियर हुई कि ऐसी ही एक घटना इसी थाना क्षेत्र में 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें एक समूह का पैसा एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति से 50,000 रुपये और टैबलेट की लूट हुई थी। उसके भी CCTV को खंगाला गया तो लूट करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई। इन दोनों वीडियोज़ को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो दोनों घटनाओं के वादी थे उनको दिखाया गया, जिनके द्वारा इन संदिग्धों को काफ़ी हद तक पहचाना गया और ये क्लियर किया गया कि इन्हीं के द्वारा घटना की गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों घटनाओं में, क्योंकि घटनाएं बहुत सटीक और वेल प्लान्ड तरीके से की हुई लग रही थी, तो इस घटना में मुखरी होने के काफ़ी चांसेस थे। एक बार फिर आपको बता दें कि 13 फरवरी की एक घटना बताई जा रही है। इसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने शिव शक्ति गैस एजेंसी मैनेजर को असलहा सटाकर लगभग 6.5 लाख रुपए के लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस घटना के सफल अनावरण को लेकर SSP ने पुलिस की कई टीमों के अलावा स्वॉट टीम को भी लगाया था। 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस घटना के चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ऐसी ही घटना पहले भी हुई थी। उनके पास से
उनके पास से लूटी गई 6,19,000 रुपए की नगद और एक 32 बोर का पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 4 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है, जिसमें से जो 2 मोटरसाइकिल है वो चोरी की बताई जा रही है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।